अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें मल्टीप्लाई करना है ए प्लस वन ए माइनस वन एंड ए स्क्वायर प्लस वन को तो कितना आएगा तो देखिए ए प्लस वन इन टू ए माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस वन ये क्या कहलाता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट कहलाता है ये मैं लास्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी बता चुकी हूं अगर आपने मेरे लास्ट के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवेन या आप मेरी साइट डब्लू डब्लू डब्ल्यू डॉट ई लर्न मैथ डॉट इन पर जाएँ सिंपली क्लास क्लिक करें बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं तो अगर आप देखेंगे ए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ वन है यहाँ वन है लेकिन एक प्लस एक माइनस का है तो हम सबसे पहले इसे ही सॉल्व करेंगे कैसे हमने सीखा था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अब यहाँ पे इस इन दोनों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ए A, A ही है लेकिन बी वन है देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी वन क्या है हमारा बी है राइट तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन मिडिल ब्रैकेट में तो ए क्या है ए ही है तो ए का स्क्वायर बी क्या है वन तो वन का स्क्वायर मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड और ए स्क्वायर प्लस वन ये वाला है एज इट इज़ क्यों हमने इन दोनों को सॉल्व किया है तो ये वैल्यू आई है और लेकिन मिडिल ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इन तीनों की मल्टीप्लाई अगर मिडिल ब्रैकेट नहीं रखेंगे तो सिर्फ वन की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई नहीं होगी अब ए का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और वन का स्क्वायर मतलब वन इंटू ए स्क्वायर प्लस वन देखिए मैंने इसको सॉल्व करके ये लिखा है ये वैल्यूज एज इट इज अब अगेन यही फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ये दोनों वैल्यूज सेम है लेकिन साइन चेंज है तो अगेन यहाँ पे ए क्या है हमारा ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारा वन है तो वन का स्क्वायर तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना होता है ए की पावर फोर हो जाएगी तो हमने यहाँ पे ए की पावर फोर लिख दी और वन का स्क्वायर मतलब वन तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन है हमारा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई तो ये कितना आ जाएगा देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है सेम डिजिट्स हैं लेकिन एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है तो हमारा फॉर्मूला लगता था ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी वाला जो कितना आता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता था तो वही लिख देंगे ए की जगह हमने वन अपॉन एक्स लिख दिया का होल स्क्वायर और बी की जगह वन अपॉन वाई लिख दिया का होल स्क्वायर तो ये कितना आ गया वन का स्क्वायर इज वन एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इज वन और y का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया ए पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन ना अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ x प्लस वन अपॉन एक्स फाइव की इक्वल है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देखिए हमें क्या दे रखा है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है फाइव इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे करते थे हम स्क्रिंग बोथ साइड करते थे तो बोथ साइड तो स्क्वायर किया तो कितना आ गया x, x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन गया ये बन गया हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है क्योंकि बीच में प्लस है तो इसलिए टू ए बी प्लस का होगा तो ए की जगह हमने एक्स लिखेंगे और बी की जगह हम वन अपॉन एक्स लिखेंगे तो ए का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर दैट मीन्स वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू फाइव का स्क्वायर मतलब ट्वेंटी फाइव तो एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर मतलब वन एंड एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस अब देखिए यहाँ पे एक्स ऊपर नीचे है तो क्या हो जाता था कैंसिल हो जाता था तो क्या बच गया हमारा टू बच गया इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज और 25 फाइव एज इट इज़ और 2 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 25 में से 2 गए 23 तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया सी पार्ट इज़ आ करेक्ट आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन ना अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ एक्स माइनस वन अपॉन्ट एक्स की वैल्यू सिक्स है देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू सिक्स है तो हम क्या करते थे स्क्वांग बोथ साइड करते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये क्या आ जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्स का स्क्वायर राइट right? अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा देखिए क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है राइट right? तो ये आ गया x का होल स्क्वायर ए की जगह x लिखेंगे b की जगह वन अपॉन एक्स लिखेंगे माइनस टू इं टू ए इंटू बी बी की जगह वन अपॉन एक्स और सिक्स का स्क्वायर मतलब थर्टी सिक्स अब x का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर मतलब वन अपॉइन एक्स स्क्वायर माइनस अब देखिए x एक ऊपर एक नीचे कैंसिल हो गया तो माइनस का टू बज गया इक्वल्स टू थर्टी सिक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी थर्टी सिक्स अपनी जगह रहा और टू उधर जाके प्लस का हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई थर्टी 8. So that's why our B part is our correct answer. Let's do next question now.